सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल वैक्सीन मैत्री से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने पुनः अपने पड़ोसी और प्रमुख साझेदार देशों को अक्टूबर माह से कोरोना वायरस वैक्सीन प्रदान करने का निर्णय लिया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविडशील्ड और भारत की एकमात्र स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के उत्पादन से भारत वैक्सीन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर उभरा है। भारत में लगभग 81.8 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। भारत अक्टूबर से दिसंबर तक 100 करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन करने जा रहा है, जो भारत की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त अधिशेष उत्पादन होगा। बात करते हैं वैक्सीन मैत्री की। जब विकसित देश वैक्सीन राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित कर रहे थे, जिसे अविकसित देशों में जिनमें कम संसाधन होते हैं उनके हित प्रभावित होते हैं। वैक्सीन राष्ट्रवाद एक देश पूर्व खरीद समझौतों का प्रयोग करते हुए अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन की खुराक सुरक्षित करता है और अन्य देशों को वैक्सीन देने से पूर्व अपने घरेलू बाजार से प्राथमिकता देता है। वैक्सीन संरक्षणवाद या वैक्सीन राष्ट्रवाद कहलाता है। भारत ने अपने पड़ोसियों और मित्र देशों के साथ ही अल्पविकसित अविकसित देशों को वासुदेव कुटुंबकम के आधार पर वैक्सीन प्रदान कर वैक्सीन राष्ट्रवाद को बाधित किया है। भारत ने महामारी से निपटने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर और पैरासीटामोल दवाइयों के साथ ही वेंटिलेटर, मास्क और अन्य मेडिकल उपकरण प्रदान किए थे। आइए देखते हैं भारत को क्या लाभ हुआ है। सॉफ्ट पावर में वृद्धि। भारत वैश्विक स्तर पर नेतृत्वकारी की भूमिका निभाना चाहता है। ऐसे में भारत वैश्विक संस्थाओं में जैसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, हिंद महासागर में सुरक्षा प्रदायक की भूमिका, NSG की सदस्यता अपनी निर्णायक भूमिका चाहता है, जिसमें अन्य देशों का सहयोग आवश्यक है। बात करें आर्थिक लाभ की तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ ही सऊदी अरब, मोरक्को, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका ने वैक्सीन खरीदने की इच्छा व्यक्त की है। भारत वैक्सीन आपूर्ति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। भारत जेनेरिक दवाओं, टीकों के निर्माण में अग्रणी है। ऐसे में भारत वैश्विक बाजार में बड़ी भागीदारी निभा सकता है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।